ये जो नदी आप देख रहे हैं ये वही सरयू नदी है जिसे त्रेता युग में श्री राम स्वर्ग से धारे थे और आज फिर कलयुग में प्रभु राम अयोध्या पधार रहे हैं। यही वजह है कि इस समय पूरा देश राममय है, हर किसी के मुख पर राम का ही नाम है। ऐसे में अयोध्या का नजारा तो देखते ही बन रहा है। यहाँ श्री राम के ससुराल नेपाल से आए लोग सरयू नदी पर 24 घंटे राम नाम में रमे हैं। इस राम धुन को सुनकर आप भी इसमें लीन हो गए होंगे। कितनी देर तक जपते हैं? 24 घंटा। कितने लोग हैं लगभग? 24 आदमी। कितने कुंड पे आप लोग बैठते हैं? सब 4 कुंड पर। कितने कुंड बने हुए हैं अंदर? अंदर 1008 से। कब तक है ये? कब तक जपेंगे आप? जिस दिन उसरेगा उस दिन तक जपेगा। मंगलवार मंगलवार आए हैं, मंगलवार से जपते हैं। यहाँ 1008 कुंड है। कितने लोग बैठते हैं साथ में? 3-3 आदमी बैठते हैं। 24 घंटा में पाली लगाया है 3-3 आदमी का, 3-3 घंटा का। कब तक रहेगा ये? 9 दिन तक रहेगा, आज 4 रोज हो गया। इतनी ठंड में भी ये लोग 24 घंटे राम नाम का यहाँ जप कर रहे हैं। ये नजारा वाकई अद्भुत है। ये जो नदी आप देख रहे हैं ये वही सरयू नदी है जिसे त्रेता युग में श्री राम स्वर्ग से धारे थे और आज फिर कलयुग में प्रभु राम अयोध्या पधार रहे हैं। यही वजह है कि इस समय पूरा देश राममय है, हर किसी के मुख पर राम का ही नाम है। ऐसे में अयोध्या का नजारा तो देखते ही बन रहा है। यहाँ श्री राम के ससुराल नेपाल से आए लोग सरयू नदी पर 24 घंटे राम नाम में रमे हैं। इस राम धुन को सुनकर आप भी इसमें लीन हो गए होंगे। कितनी देर तक जपते हैं? 24 घंटा। कितने लोग हैं लगभग? 24 आदमी। कितने कुंड पे आप लोग बैठते हैं? सब 4 कुंड पर। कितने कुंड बने हुए हैं अंदर? अंदर 1008 से। कब तक है ये? कब तक जपेंगे आप? जिस दिन उसरेगा उस दिन तक जपेगा। मंगलवार मंगलवार आए हैं, मंगलवार से जपते हैं। यहाँ 1008 कुंड है। कितने लोग बैठते हैं साथ में? 3-3 आदमी बैठते हैं। 24 घंटा में पाली लगाया है 3-3 आदमी का, 3-3 घंटा का। कब तक रहेगा ये? 9 दिन तक रहेगा, आज 4 रोज हो गया। इतनी ठंड में भी ये लोग 24 घंटे राम नाम का यहाँ जप कर रहे हैं। ये नजारा वाकई अद्भुत है।